हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। जो 2022 में आपकी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है या आपकी अभी हाल ही में निकली हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तो नाम ही काफी है उसमें जॉब करने के लिए। ओके, और जो इसकी जॉब निकली हुई थी इसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ इस जॉब के रिगार्डिंग, इनके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत ही पास में आने वाली है, आपकी 10th of July को इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है या अभी भी आप डाउट में हैं कि इसको मतलब एग्जाम देने के बाद में स्किल टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करोगे, तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पीड जो है आपकी, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप इजीली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, 35 वर्ड पर मिनट स्पीड इसमें होनी चाहिए आपकी। प्लस जो इंटरव्यू है वो बहुत बेसिक रहने वाला है, इतना हाई फाई इंटरव्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, रिटर्न एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये डाउट है कि रिटर्न एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि ये जो जॉब है ये बहुत टाइम बाद निकली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है। तो अब हम कैसे जाने कि इसका जो रिटर्न एग्जाम है, इसके जो एग्जाम पैटर्न है, ये कैसे रहेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, बट मैंने बहुत सर्च किया, मुझे भी इसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है मुझे। बट एक सेकेंड ऑप्शन ये है हमारे पास में, इसके मॉक टेस्ट को देख के हम इसका एक आइडिया ले सकते हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जो इसके मॉक टेस्ट है अभी एग्जाम पी पे, इसका फ्रीली मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 1 मॉक टेस्ट ओपन हुआ है। ओके, 5th of July से ओपन हुआ है, तो आप उसको जाके लगा सकते हो इसको अप्लाई करने से पहले, अगर कोई डाउट है मन में तो। ओके, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम आपका कैसे आने वाला है। ठीक है, तो आप उस मॉक को जाके लगाइए, और अगर आपको वो मॉक इतना बोल सकते हैं इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है आप, या कोई जो सिलेबस है वो ऑलरेडी ओवरलैपिंग हो रहा है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ओके, और जो नए हैं इस प्रिपरेशन में वो भी इजीली इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि इतना हाई फाई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज कुछ आपको यूट्यूब चैनल बताए हैं, यूट्यूब चैनल बताया है प्लस उसकी बुक बताई है। ओके, तो बहुत कम टाइम है तो बुक से पढ़ना बोलूंगी मैं जहां तक नहीं हो पाएगा, बट अगर आप कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते हैं, मॉक टेस्ट प्लस आप बुक से भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स से, क्वांट के सेक्शन से। क्वांट में मैं हमेशा एक ही यूट्यूब चैनल आपको रिकमेंड करती हूँ, फील फ्री टू लर्न। इनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। आप जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए देन आरएस अग्रवाल को लगाइए, आरएस अग्रवाल जो रिवाइज एडिशन है उसको लगाइए। ओके, काफी अच्छी बुक है अपने आप में। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट तो आपको आपके बेसिक क्लियर होने के बाद से ही प्रैक्टिस करनी है, उसमें आप एक भी दिन का गैप नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में जैसे परफॉर्म आपको करना है उस तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अभी हमारा क्वांट का सेक्शन, हमारे रीजनिंग के सेक्शन पे, रीजनिंग के सेक्शन पे आपके जो वीडियोस हैं सौरभ सिंह के अवेलेबल हैं, आपके वीडियो अड्डा 247 पे ये पढ़ाते हैं, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ऑलरेडी। ठीक है, देन आप आरएस अग्रवाल को ले सकते हैं अपनी रीजनिंग के लिए भी, इसका भी रिवाइज एडिशन। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे, या आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया, इसमें भी आपके मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहेगा आपकी प्रैक्टिस में। थर्ड वन है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश में मैं जो यूट्यूब चैनल आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, या आपका निमिषा बंसल,
मैम का यूट्यूब चैनल है, आप इस पे जाके अपने ग्रामेटिकल जो भी आपकी आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको जाके कर सकते हैं। प्लस अगर टाइम आपके पास बहुत कम है ना तो आप सिर्फ बुक को करिए, यूट्यूब वीडियोस को छोड़ दीजिए, इंग्लिश में मैं बोलूंगी। बुक आपकी द वर्ल्ड पावर मेक मेड इजी, यही बुक मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी, ठीक है। तो अगर आपके मतलब आपको दिक्कत आ रही है, टाइम बहुत कम है, तो फिर आप यूट्यूब को स्किप भी कर सकते हो। अपनी पूरी इंग्लिश के लिए आप बोल सकते हैं, आप मॉक ज्यादा से ज्यादा दीजिए और जो ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको आप बुक से पढ़ के समझ सकते हैं तो सफिशियंट रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है बुक से तो आप फिर आप यूट्यूब चैनल को पे जाइए, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में जीके टुडे की वीडियोस देखने आपको, प्लस जो जो भी चीजें स्टैटिक हैं जो आपके करंट में चल रही हैं, जैसे कोई प्लेस जो बहुत फेमस है जो करंट में चल रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं बुक और ऑथर के नेम जो करंट में है, अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं उनको आप ले सकते हैं, ये आपको करने हैं करंट से। इसके अलावा थोड़ा सा जो पोर्शन जो आपका स्टैटिक का आएगा वो आप ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जनरल अवेयरनेस को कवर करने के लिए, ठीक है, जनरल नॉलेज को कवर करने के लिए। अब हम आते हैं आपका जो अदर जो आपका सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस का। कंप्यूटर अवेयरनेस में एक बुक है आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक, काफी अच्छी बुक है, आप उसको जाके परचेस कर सकते हैं, उस बुक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप किसी भी एक सर के या किसी भी एक चैनल के वीडियोस को उठा के आप उसको एक बेसिक आपको आइडिया लेना है कंप्यूटर में, ओके, तो अगर आप बुक से भी जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। इसमें आपको इसमें कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, ये आपकी कंप्लीट इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी रही। अब यहाँ पे इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपकी होती है मॉक टेस्ट। फ्री 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके एग्जाम भी पे। इसके अलावा आपको परचेस करने पड़ेंगे और ऑब्वियसली परचेस करना बनता है अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, कि बहुत अच्छी जॉब है गाइस। तो थोड़े बहुत पैसों के लिए ये मत सोचिए कि मैं फ्री वाले जो मॉक है इनको लगा के बस मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट आप जितना देंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और ये एग्जाम जहां तक है आपको अगस्त एंड या सितंबर में देखने को मिलेगा और तब तक के लिए आप इजीली अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है कुछ भी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।